किया हूँ और ये चीज तो मैंने डाल दिया था उसमें, जो मेरे को टाइटल मिला ना एक हमीदिया, हाँ हमीदिया टाइटल से मेरा कंसर्न है एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, जो अच्छा स्कैम में जो भी है मीन्स एक्स वाई जेड वो नहीं भाई, ऐसा ये है, तो जो है ना, इन्वेस्टिगेशन ये है, जो है ना, ये पर्सनल है ना पूरा 100%। ये तो अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है, हाँ तो वही ट्रस्ट का नाम मैं जान सकता हूँ। हमीदुज़्ज़मान वेलफेयर ऐसे तो नाम है यार, हाँ नहीं 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 हमीदुज़्ज़मान। नहीं वो सब, अरे समझे नहीं, अभी मैं भी कैसे कुछ फॉलो कर रहा हूँ तो अभी हाँ मेरे हाँ पास 2020 के कुछ डिटेल मिले, यूनियन बैंक का कुछ अकाउंट था, तो हाँ मैं हाँ मीन्स वहाँ से मैं फॉलो करते हुए चलता आ रहा हूँ अब तक। अच्छा खाली मुझे ये जानना था एक्चुअली हाँ कि अभी मीन्स कैसा है तुम्हारे को, जैसा मैं लास्ट टाइम ऐसे अपन पर्सनल मिले थे वो काम से, तो मैं आपको नहीं बताया था एक जगह बेचे है बराबर। कोई ने, वो ट्रस्ट वाला क्या बताएगा कि हमने यहाँ से बेच के यहाँ इन्वेस्टमेंट किया। मैं तुम्हें बताता हूँ इट्स सिंपल सी अच्छा लॉजिक, हाँ 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 ये नहीं करेंगे मौलाना, ये अपन जो वाकिफ है उनसे पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, पर्सनली अपन बराबर उनसे वाकिफ है पूरे पूरे है बराबर। अपन उनके बारे में आधी रात को ये चीज बोल सकते हैं कि भाई वो आदमी ये सब में नहीं रहेगा, लेकिन इस बराबर चीज है का ये फायदा उठाएंगी पब्लिक। तो इसके लिए मैंने क्या किया, हाँ वक्फ हाँ बोर्ड को इन्फॉर्म किया, सेंट्रल विजिलेंस मतलब मैंने जहाँ जहाँ चेक किया वहाँ ये हाँ चीज हाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अब इन अच्छा केस अगर मेरे को कभी, अब अभी समझे नहीं आप समझ रहे होंगे कि मेरा मतलब 2 साल से मैं आज ये से पीछे लगा हूँ वक्फ के रिगार्डिंग बोले तो, मीन्स मेरा पर्सनल नहीं है हाँ बराबर। अभी बराबर इसमें मेरे को अल्लाह ना करे मीन्स कभी इनके देखेगा कि कोई अगर ऐड करता है इनका नाम, या हाँ क्या हाँ होता है कि हम लोग ने यहाँ के बजाय यहाँ दान किए, यहाँ से हमने खर्चा किए, ये सब नहीं मीन्स इन नहीं लोग का वो ये हजरत के है ना वाली साहब के नाम का ट्रस्ट है, और वो भी अभी अभी रजिस्टर्ड किया हजरत ने राशन बांटने के रजिस्ट्रेशन लिए। नहीं हुआ अच्छा है, बीपीडी में चेक हुआ था मेरा, वो ट्रेडमार्क कुछ हुआ है बोले, रजिस्ट्रेशन है मेरे पास आई थी डिटेल, वो एक एग्जाम वो हो गया सेपरेट, जो कोई मतलब हमीदिया की जानिब से कुछ ऐसा मैंने पढ़ा होगा। हमीदिया नहीं है वो, हमीदुज़्ज़मान है नाम है, हमीदिया अच्छा नहीं अच्छा वैसे, अच्छा 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 हाँ बस ये मेरा हमीदुज़्ज़मान वो है, था, माफ का नाम आपका नाम, हाँ समझा समझा, देखो हमीदुज़्ज़मान है, हमीदिया नहीं है अपना ये। जान लो। हाँ चलो चलो, एक्चुअली क्या मसला है अपना राजा भाई, हाँ ये एमजे के लाइब्रेरी हो गई, बापू हाँ कोटे स्ट्रीट में समझ लो 3 लाइब्रेरी हो गई, हाँ यहाँ बराबर है मदरसे थे भोगाली हाँ मोहल्ले में, तकरीबन 5 मदरसे होना चाहिए थे जो कि हाँ अभी हाँ अवेलेबल नहीं है। अब बराबर क्या है होगा मालूम है, एक ताई सरनेम बताता हूँ मैं आज आपको, हाँ हाँ ताई टाइटल का जो सरनेम है ना अपना राजा हाँ भाई, उसका तो समझ लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने पकड़ा। तो अब ये मेडिकल कैंप मेरे को आज सुनने में आया, इसका फोन आया, मीन्स कैसा है मस्जिद से लिंक बेस मतलब अपना दोस्त से मतलब मेरा, तो उसने मेरे को हाँ बताया कि मेडिकल, अब ये मेडिकल खोला था ताई ने, हाँ क्या नाम इसका कोई ताई करके थे वो पता नहीं कौन है, लेकिन वो ताई मुसलमान कोकनी ट्रस्ट थी। हाँ अभी वो प्रॉपर्टी बेच दी गई सलीम चौहान को, किधर अच्छा की वो उनकी बात कर रहा हूँ मतलब मैं राजा हाँ भाई, हाँ तो हाँ हाँ वो हाँ हो गया। फिर भोगारी मोहल्ले में एक कैंप रखा गया था इन लोग ने, अल्लाह ने किस चीज हम्बल को हम्बल वाले लोग ने रखे थे, क्या माल, हाँ हम्बल हम्बल घाटी लोग ने रखे थे मेरे ख्याल से वो। अरे मीन्स एक एग्जाम्पल इन लोग ने भी ये है, इसने करा था ओपनिंग भाई आकाश अच्छा कोहित ने, हाँ अच्छा तो वो वाला अभी इंस्टीट्यूट खोला 44 नंबर गोगारी मोहल्ला मतलब मेरी दादी का घर जहाँ था, अच्छा अभी वो बराबर बिल्डिंग में तो अपन बचपन ही से रह ले, उसके है सामने तो अपने को मालूम है कि जैसा एक दवा खाना है जो गवर्नमेंट का कुछ सदियों से है, और हाँ कचर पेटी जैसा जो भी है। तो अभी क्या करा इन लोग ने, एक यहाँ का वहाँ बताया, काजी स्ट्रीट को बता दिया मस्जिद स्ट्रीट, मस्जिद स्ट्रीट से कुकारी मुल्ला, तीन हाँ फंक्शन कर दिए, तीन ट्रस्ट रजिस्टर कर दिए। तो हाँ अभी मैं ये सब ट्रैक करते हुए चल रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो अभी ये फंड मांगने का कैसा मसला होता है मालूम है, 80G जिसको बोलते हैं ना, 80G हाँ जब तक पास नहीं होता है तो कोई भी ट्रस्ट पब्लिक से फंड नहीं मांग सकता है। तो ये बराबर है कैसा है, मैं बोला कभी कोई थर्ड पर्सन इस चीज का बेनिफिट उठाएगा क्या होता है हाँ मालूम है, क्योंकि रिकॉर्ड अगर उस तरीके से नहीं प्रोड्यूस हुआ तो ये तीसरा क्या करेगा कि ये अमाउंट है ये मैंने दिया ये मैंने किया, क्योंकि हाँ देखो वो जी ऑलरेडी